आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल से वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, एक अचीव कर सकते हैं एक फ्लॉलेस मेकअप फाउंडेशन रूटीन, किस तरह आप मॉडल्स की तरह की स्किन ग्लोई, जो मेकअप एक होता है अरूज कि एक ग्लोई स्किन होती है, उनकी स्किन के ऊपर एक लाइक शाइन होती है, शीन होती है, उस तरह की हम आपको मेकअप रूटीन बताएंगे। लेकिन वो कैसे अचीव होती है ये हमें अरूज बताएंगे कि वो ट्रिक क्या है। बिल्कुल ऐसी, उससे पहले अब मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल भी ऐसे आ गए हैं जो आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप वो प्राइमर यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए हेल्दी है, ठीक है, ताकि पोर्स आपके क्लॉग ना हो और वो एक स्मूथ टच। एग्जैक्टली अरूज, अगर हम बात करें, हम प्राइमर्स पे अटके हुए हैं, हम जो हैं उसके ऊपर जो मॉइस्चराइजर्स हैं उसके ऊपर अटके हुए हैं, लेकिन काफ़ी तरक्की कर ली है मेकअप वर्ल्ड ने और उन्होंने ऑयल इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। जो ऑयल जो है, इसीलिए जो मेकअप एक अच्छे सलोन से करवाया जाता है उसकी फाउंडेशन में, और जो आम सलोन जो के डिफरेंट जो वो यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो ट्रेंडी मेकअप रूटीन है वो, नो मेकअप मेकअप लुक हम करेंगे और आपको बताएंगे कि मेकअप बेस किस तरह आपने फ्लॉलेस लगानी है। सबसे पहले रिंग उतार लेती हूँ और बाल टाई कर लेती हूँ ताकि मेरे बाल जो हैं ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑयल ना आए। और हम शुरू कर रहे हैं तैयार बैठे हुए और बेताब बैठे हुए। आई एम सो एक्साइटेड अरूज, मेरी फर्स्ट वीडियो है आपके साथ। अच्छा, आपको किस किस्म का मेकअप पसंद है, फुल कवरेज या आपको नो मेकअप मेकअप लुक पसंद है? एंड आई एम अ फुल कवरेज फाउंडेशन क्वीन, मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस मुसर्रत मिस्बा फाउंडेशन। अक्सर लोगों को ये ड्राई लगती है, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप इसको किसी भी चीज़ में निकालें तो इसके अंदर आप लेपोर का एक ड्रॉप जो है वो ऑयल ड्रॉप जो है लेपोर का वो ऐड कर लें ताकि वो फाउंडेशन जो है वो ड्राई ना रहे। आप क्या यूज़ करने वाली हैं? कुछ और मुझे भी ये थोड़ी थिक लग रही है तो आई एम गोइंग टू यूज अ ड्रॉप ऑफ दिस लेपोक ऑयल। तो आप कहाँ से शुरू करें अरूज? अब हम लिप बाम से शुरू करते हैं। लिप वो भी आप देख सकते हैं नैदर से एक लिप बाम है और ये नैदर करती है आपके लिप को, उसके बाद फिर आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। नाउ इट्स कंटूरिंग टाइम, अब हम कंटूर करेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट इन मेकअप, और ये बहुत मुश्किल पार्ट। I'm going to use this body shop angle brush. This is specially designed for contouring. तो जिनको contouring नहीं आती वो इसको easily apply कर सकते हैं, इसको use कर सकते हैं, इसे contouring powder apply कर सकते हैं या फिर contouring cream भी apply कर सकते हैं। What we are going to do? So now we're going to highlight our face. Or that is. एंड आई लव हाईलाइटर्स। बॉडी शॉप पर ये क्रीम हाईलाइटर ये मैं यूज़ करने लगी हूँ इसको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने उन जगह पर जिन जगहों को आपने प्रोमिनेंट करना है उसके ऊपर आपने ये लगाना है। आपको इसका थोड़ा सा नोज़ के ऊपर अप्लाई करना है। एग्जैक्टली और आप लिप्स के ये जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखिए एक इंस्टेंट ग्लो आ गई है।
अच्छा, इसका एक और ये भी है कि अगर आप कोई, अगर आप बहुत ही लवर हैं इसके हाइलाइटर के, तो आप कोई पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं. उसमें अगर आप एक ड्रॉप ये ऑयल ऐड करेंगे अगेन, तो वो एक बहुत ही पावरफुल सा क्रीमी सा हाइलाइटर बन जाएगा. एग्जैक्टली हाँ, पैची और ड्राइंग नहीं होगा. अब हम आंखों के ऊपर एक शेड अप्लाई करने वाले हैं. दिस इज द एनग्लॉट बॉडी एंड आईज शिमर. इसको हम यूज़ इस तरह करेंगे कि इसको अगर हम सिंपल यूज़ करें या पानी के साथ यूज़ करें, तो ये इसके फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है. तो हम इसके साथ करने ये वाले हैं कि हम एक ब्रश लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड करेंगे. ठीक है, वन ड्रॉप ऑयल यूज़ करें आप इसके ऊपर, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे. आप भी ट्राई करें. ट्राई तो इसको हम मिक्स कर लेंगे. तो ये जो कलर है ये आपकी आंखों के ऊपर ज़्यादा देर स्टे करेगा. और हम सिंगल शेड जो है वो अप्लाई करने वाले हैं. हम बस कोई अरूज में तो बाई ब्रोस बनाने जा रही हूँ. और मैं यूज कर रही हूँ वाटर प्रूफ मस्कारा. इसमें थोड़ा सा है कि अगर आप पहले पाउडर लगा लें अपने आईलैश पे और फिर मस्कारा अप्लाई करें तो वो ठीक होगा, अगर होती होंगे तब तक. तो मैंने ऑफ कैमरा मस्कारा अप्लाई कर लिया और वी ऑलमोस्ट डन. अब हम जो है लिपस्टिक अप्लाई करने वाले हैं. मैं ये लिक्विड मैट जो है ये अप्लाई करने वाली हूँ. और एज यू नो हमने पहले ही लिबा में अप्लाई किया हुआ था, तो एक स्मूदर जो है उसकी एप्लीकेशन होगी. और तब तक मैं ये लिपो ऑयल जो है ना अपने बालों पर फ्रेश in the end I'm going to use this setting spray from body shop. ye aapko apne face se thoda dur karke apply karni hoti hai. main pehle baal jo hai wo tie kar leti hu. so this is the way how you use it. था आज का हमारा मेकअप लुक और आप देख सकते हैं काफी फ्लॉलेस है. एंड आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा. और मैंने भी बहुत तकलीफ आज. सब्सक्राइब आवर चैनल मेंबर्स मीडिया एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. बाय बाय.